नागपुर मुख्यालय स्थित रामदेव बाबा सॉल्वेंट लिमिटेड ने बताया कि उसका पीओ 15 अप्रैल 2024 को खुलेगा। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। रामदेव बाबा सॉल्वेंट लिमिटेड फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल की निर्माता और वितरक है। कंपनी की योजना इस आईपीओ के ऊपरी प्राइस ब्रांड पर 50.27 करोड़ रुपए जुटाने की है। आईपीओ के तहत जारी किए जाने वाले शेयरों को एनएसजी एमर्स पर लिस्ट किया जाएगा। गैर संस्थागत निवेशकों को न्यूनतम 8,40,000 इक्विटी शेयर मिलेंगे। रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 19,60,000 इक्विटी शेयर और मार्केट मेकर्स को 3,13,600 इक्विटी शेयर मिलेंगे। आईपीओ से मिले पैसे का इस्तेमाल नई फैक्ट्री की स्थापना, कंपनी के बकाया कर्ज को पूर्ण या आंशिक भुगतान, कार्यशील पूंजी जरूरतों को पूरा करना और कंपनी के सामान्य कामकाज के लिए लागू करना है। एंकर हिस्से के लिए बोली 12 अप्रैल 2024 को खुलेगी। यह इशू 15 अप्रैल 2024 को खुलकर 18 अप्रैल 2024 को बंद होगा। इशू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजिंग चॉइस कैपिटल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड है। इशू के लिए रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। रामदेव बाबा सॉल्वेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीलेश सुरेश मेहता ने कहा, हमें अपने आगामी आईपीओ की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह हमारी विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। यह निर्णय हमारी कंपनी की क्षमताओं के विस्तार के लिए हमारे विश्वास और नए अवसरों को फायदा उठाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारी रणनीतिक रूप से बेहतर स्थानों पर स्थित उत्पादन इकाइयां और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए किए जाने वाले हमारे प्रयास हमें बाजार में बढ़त दिलाते हैं। इस नए अध्याय को शुरू करके हम अपने उद्योग में विकास और इन्वेस्टमेंट को अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार है। यह आईपीओ न हम केवल हमारी सेंट्रल इंडिया लीडिंग फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल कंपनी, वी डू मार्केट डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल for our company, for our own products, as well as other FMCG companies like Dhara and Saffola. We are also white labeling for Dhara at our own packaging unit, and the same oil is being used in their product as well. So we are very confident about taking rice bran oil to another level. It has a lot of potential, it is very dynamic, it is very versatile oil, and because of being a major concern in our country, we want people to have better health, and a better India is a wealthier India and a healthier India. So we want to take rice bran oil and our own products Tulsi and Sehat. With the help of our own brands, we want people to have the best quality of rice bran oil in the market, and that will allow us to grow because we are not advertising or selling it as a very premium price. It's a very staple food and we are pocket friendly. We have all the certifications and the qualities, so we want to take this brand even further. कॉर्पोरेट पहचान को बढ़ाएगा, बल्कि रामदेव बाबा सॉल्वेंट लिमिटेड ब्रांड की पहचान को भी मजबूती देगा। इसके अलावा ऋण चुकाने से हमारी बैलेंस शीट मजबूत होगी। हमें उम्मीद है कि पहले से कई फायदे होंगे, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और समग्र रूप से हमारी स्थिति मजबूत होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।